यूपी की आगरा पुलिस ने दो शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है जो अब कई बड़ी चोरी की वारदातों को अब तक अंजाम दे चुके थे। पुलिस ने चोरों के पास से लाखों का चोरी का सामान भी जब्त कर लिया है। बीते दिनों एतमादौला थाना क्षेत्र में हुई चोरी की वारदात को भी इन्हीं दोनों ने अंजाम तक पहुंचाया जो पुलिस पूछताछ में इन्होंने कबूल किया है। सीओ छत्ता ने बताया है कि दो आरोपी कॉलोनी में बंद पड़े घरों में घटना को अंजाम देने पहुंचे जिनके पास से चोरी के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। वहीं जिस टीम ने इन्हें पकड़ा है उसे एसएसपी ने इनाम देने की बात कही। ये 31 अगस्त और 1-9 की रात में मंडी क्षेत्र में एक बड़ी चोरी हुई थी जो कि विक्टिम एक नूरबानो थी, उनके घर में एक बड़ी चोरी घटना हुई थी जिसमें घटना को देखते हुए मौके पर वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौके भ्रमण किया गया था। उसी चोरी में कुछ मोबाइल और ज्वेलरी जाना बताया गया था जिस पर कि जो है थाने से एक टीम बनाई गई थी। फिर उपनिरीक्षक संजय शर्मा और एसएसआई इनके नेतृत्व में टीम गठित की गई थी। वो टीम कई दिनों से लगातार कई